नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एकलव्य और द्रोणाचार्य को तो आप सब जानते होंगे, उनकी कहानी भी आपने सुनी होगी, लेकिन कहानी की जो चंद बातें मैं आपको बताऊंगा वो दूसरों से अलग होगी। महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बहादुर लड़का था। उसके पिता हिरण्यधनु एकलव्य को हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे, उसे मोटिवेट किया करते थे, क्योंकि हर पिता की तरह वो भी चाहते थे कि एकलव्य का नाम हो और एकलव्य दुनिया में सबसे अलग बने। वो हमेशा एकलव्य को परिश्रम करने और इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकने के लिए प्रेरित किया करते थे। एकलव्य को धनुर्विद्या का बड़ा शौक था, इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने विद्या सीखने के लिए याचना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया। वो निराश होकर जब घर वापिस आए तो एकलव्य के पिता हिरण्यधनु ने उन्हें समझाया कि क्या इस दुनिया में सबको भगवान मिलते हैं? क्या किसी ने भगवान देखा है? हम भगवान को एक मूर्ति बनाकर पूजते हैं, तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर धनु विद्या शुरू करो और इतनी मेहनत करो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो। एकलव्य ने अपने पिता की बात मानकर ऐसा ही करना शुरू कर दिया और वो धनु विद्या में दिन पे दिन सफलता प्राप्त करती चली गई। एक दिन की बात है, पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य वन में जा रहे थे, उनके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर एकलव्य ने उस ध्वनि की तरफ ऐसे तीर चलाए कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया। ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। वो एकलव्य के पास गए और उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? किससे आपने ये ऐसी धनुर्विद्या सीखी है कि कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंची और फिर भी उसका भौंकना बंद हो गया? तब एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को उस स्थान पर ले गए जहां पर उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी। द्रोणाचार्य को एकलव्य पर बहुत प्यार आया और उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि उन्होंने कहा था कि अर्जुन तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस विश्व में दूसरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने वचनों का मान रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की और उन्होंने दाएं हाथ का अंगूठा एकलव्य से मांगा। एकलव्य ने खुशी खुशी कटार निकाली और दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया। एक शिष्य की ये सबसे महान सोच थी, सबसे महान बलिदान था, क्योंकि दाएं हाथ से तीर चलाया जाता है और उसके बाद एकलव्य कभी तीर नहीं चला सकते थे। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। उधर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शब्दों का मान रखने के लिए अपने प्यारे शिष्य का अंगूठा मांग लिया। दोनों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, किसी की भी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक बात की बात थी जिसका सम्मान हर हाल में दोनों को करना था। एक गुरु शिष्य की परंपरा निभा रहे थे, एक गुरु का धर्म निभा रहे थे। मैं तो किसी की गलती नहीं मानूंगा, आपको जो निर्णय लेना है वो ले लीजिए, लेकिन कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु के प्रति समर्पित रहें और गुरुओं को ये सिखाती है कि अपने वचनों का पालन करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके शिष्य वो चीज सीख जाएं जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।